रजनी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू आवर चैनल रेड मॉन्स्टर स्टूडियोज, जहां हम आपके लिए कुछ टफ लेसन्स को एनिमेटेड स्टोरी की तरह बनाते हैं, ताकि आप इन बोरिंग लेसन्स को अच्छे से समझ पाएं। ऐसे वीडियोस बनाने में काफी टाइम एंड मेहनत लगती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसे लेसन्स बनाने का मोटिवेशन मिले एंड आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर सपोर्ट। लीला बेन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना? अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खा कर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है ना? देखो, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर ले जाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उनकी। बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित, बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। लोलो, देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर, सब ठीक तो था। तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले सफाई अफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। पर मिले तो कुल 72 ही हैं। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में ही। कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना। तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी थी तेरी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, पर यह तो अधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रो मत, अमित रोएगा नहीं समझे। मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। तुझे अच्छी तरह से याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। मैथ्स के सर कौन हैं? मिस्टर पाठक। कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? 22 साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया,
मुझसे भी तभी से कह रहे थे। हाफ ईयरली में तो 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा हैं। उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। फिर आंसू, जानता नहीं रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया, जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें क्यों ट्यूशन लोगे, ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती, अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। यानी अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी, तो या तो सर की गलती नहीं बदमाशी है, और तू मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे, वहाँ मत जाइए प्लीज, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करें इसे, अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। यानी कि वो लोग जुलम जाप्ती करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे गए हैं। पता तो दिया आंटी आप। ठीक है तो अब बैठकर रो तुम माँ और बेटे दोनों। अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे। बुलाओ, बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ, ईयरली एग्जाम की, कल ही जिसका रिजल्ट निकाला है। सॉरी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहां तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारे समय, इसीलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं, मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है, इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है? What do you mean? I mean what I say. नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में।
कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले, या कौन सा नियम है आपके स्कूल का? देखिए, ये टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप, तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके। मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। Will you please get out of this room? मैम साहब को बाहर ले जाओ। मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। पर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम्हें कैसे मालूम? फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब ना। तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, यह कौन सी बात हुई? अच्छा, गई कहां थी? अमित के स्कूल गई थी। अमित के स्कूल? तुम क्या करने गई थी वहां? पहले चाय ले आऊं, फिर बताती हूं। बोलती बंद कर दी हेडमास्टर की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली मैं से हूँ इस बात को। अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना? यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए? और जो इतने इतने बच्चे शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए? सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए? ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का। देखो, तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलती करने वाला तो है ही गुनेगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता, जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देख कर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम। हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है क्या दुनिया का? माई फुट। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। चढ़ा दिया सूली पर। कितनी देर और बैठना होगा? हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा, बुलाएगा तभी तो ले जाएगा। बहुत बिजी रहता ना साहब। यह तो लोगों के मिलने का समय है, जाने कितने बिजी बनकर बैठ जाते हैं। अरे अरे अरे, किधर को जाता, अभी घंटी बजा क्या? घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं,
आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए ना। स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। क्या कह रही हैं आप? तो क्या यह सीधी साफ सी बात मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे काम से आई हूँ। कहिए। देखिए, मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट कर देता है। जी हाँ, देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स अवर ड्यूटी मैडम। जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है। स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न लें ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। ये कोई मजबूरी तो है नहीं? बच्चा कमजोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोचता रहता है कि वह ट्यूशन ले, वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। वेरी सैड। हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेडमास्टर कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलअंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को? लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। कैसी बात करती हैं आप? कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। ओह, इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हों जो इस तरह की शिकायत लेकर आई है। ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा अखबार, यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे बस बस, मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। तो फिर दीजिए साथ हमारा,
उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइटअप के साथ इसकी भी सूचना दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। अधिक से अधिक लोगों के आने के साथ सूचना दीजिए। दी, ये हुई ना बात। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ आप लोगों से भी यहाँ सुने। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाएं कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी होगा कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। अरे रजनी, रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसे का तैसा बन गया यह नियम। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियां ना बिखेरी जा सकती हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। 2 महीने लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद। उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल रेड मॉन्स्टर स्टूडियोज and hit the bell icon.